नमस्कार किसान भाइयों, ग्लेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से 11वीं कृषि के बायोफॉस्फेट एडवांस को आप अपनी फसल और खेतों में किस तरह उपयोग कर सकते हैं और इसके क्या फायदे हैं, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसे कि आप सभी किसान भाइयों को पता है कि अगर हम अपनी फसल की सही प्रकार से देखभाल ना करें तो उसमें कई प्रकार के रोग लगने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए हमें फसल बोने से पहले ही रोग से बचाव के उपायों को अपनाकर चलना है, ताकि रोग लगने की संभावना ना के बराबर हो और साथ ही साथ आप अपनी फसल में हानिकारक कीटनाशकों के प्रयोग से बच सके। तो अब फसल की रोगों से बचाने के लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको बता दें कि समस्या का हल है 11वीं कृषि का जी बायोफॉस्फेट एडवांस। किसान भाइयों, 11वीं कृषि का जी बायोफॉस्फेट एडवांस बीज एवं मिट्टी के जरिए फसलों को होने वाली बीमारियों से बचाने में सहायक होता है। इसके अलावा एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होने के कारण इसका कोई हानिकारक तत्व मिट्टी एवं जल को प्रदूषित भी नहीं करता है। मिट्टी में मौजूद प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और फसलों में उनकी प्राकृतिक शक्ति बनी रहती है। 11वीं कृषि के जीव बायोफॉस्फेट एडवांस को उपयोग करने से फसलों को फफूंद के अलावा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने में भी शक्ति मिलती है। किसान भाइयों, ये बात तो थी 11वीं कृषि के जीव बायोफॉस्फेट एडवांस के फायदों की। अब बात करते हैं कि आपको इसे उपयोग में कैसे लाना है ताकि आपकी फसल रोग मुक्त रह सके। 11वीं कृषि जी बायोफॉस्फेट एडवांस की खास बात ये है कि मिट्टी, बीज, पौध एवं बीज अंकुरण के बाद भी उपयोग में लाया जा सकता है। पहले बात करते हैं बीज उपचार की। इसके लिए हमें 10 मिली जी बायोफॉस्फेट एडवांस को प्रति किलोग्राम बीज में लेपित करके 30 मिनट तक छाया में सुखाना है। इसे हमें बीज का अंकुरण अच्छा एवं रोग मुक्त होता है। अगर आप बीज की जगह पौध या कलम को लगा रहे हैं तो 50 मिली जी बायोफॉस्फेट को प्रति एक लीटर के हिसाब से पानी में घोलकर उसमें पौध या कलम को डुबोकर रोपित करने से पौधों का रोगमुक्त विकास अच्छा होता है। बीज, पौध या कलम का उपचार करने के बाद आपको मिट्टी का उपचार करना है। इसके लिए 500 मिली से एक लीटर जी बायोफॉस्फेट को सड़ी गोबर की खाद, भुरभुरी मिट्टी या अन्य किसी जैव प्रोडक्ट से मिलाकर 24 घंटे छाया में रखने के बाद प्रति एकड़ के अनुसार बुवाई या रोपाई से पहले खेत में बिखेर देना चाहिए। उगने के बाद जब फसल थोड़ी बड़ी हो जाए तो इसमें 1 से 1.5 लीटर जी बायोफॉस्फेट को 100 से 150 लीटर पानी में मिलाकर पौधों की जड़ों में डालना चाहिए या फिर फसल पर स्प्रे करें। तो किसान भाइयों, इस तरह से आप जी बायोफॉस्फेट एडवांस का उपयोग करके अपने खेत में खुशहाली की फसल लहला सकते हैं। साथ ही आप 11वीं बिजनेस करके अपने घर में भी धन संपदा की फसल लहला सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय 11वीं, जय भारत।